सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर के बारे में, जिसे आप आर पावर के नाम से भी जानते हो। आज आप देखोगे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग थी 18 रुपये 10 पैसे, ओपन हुआ स्टॉक 17 रुपये 95 पैसे पर। यानी स्टॉक आज फिर से हमें जो है गिरावट के साथ ओपनिंग लेते हुए नज़र आया, क्योंकि कल यहाँ पर हमें जो है एक सेलिंग का ऑर्डर देखने को मिल रहा था इसी वजह से। उसके बाद आप देखोगे स्टॉक ने हाई लगाया है 18 रुपये 85 पैसे का और लो लगाया 17 रुपये 55 पैसे का। यानी सुबह आपने देखा होगा मार्केट भी आज हमें जो ना बहुत ज़्यादा काफ़ी टूटती हुई नज़र आई है, नंबर एक रीज़न। नंबर दो, आप देखोगे बिकवाली का जो दबाव बढ़ रहा था स्टॉक के ऊपर, हाल ही में सुबह आपने देखा बहुत ज़्यादा बिकवाली का दबाव स्टॉक पर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बिकवाली का दबाव था वो हटते गया और जो बाइंग का प्रेशर था वो हमें स्टॉक के ऊपर बढ़ते हुए नज़र आया है। आज स्टॉक के ऊपर आप देखोगे स्टॉक ने अच्छी क्लोजिंग ली है और यहाँ पर हमें जो है स्टॉक अपसाइड में क्लोज होते हुए नज़र आया है 18 रुपये 45 पैसे पर। जी हाँ, 18 रुपये 45 पैसे पर स्टॉक ने क्लोजिंग ली है, यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसी के साथ आप देखोगे हमें स्टॉक के अंदर मंडे को क्या देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ से तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है या फिर नहीं। कल एक न्यूज़ आई, एक न्यूज़ ने आप देखोगे पावर सेक्टर के अंदर अच्छी तेज़ी के संकेत खोल दिए हैं। वो न्यूज़ क्या थी वो मैंने आपको बताया था, खास करके जो थर्मल पावर पर बेस्ड कंपनियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा इन सब का जो ना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कल एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि इंडिया जो है ना इसको नीड है। जी हाँ, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नीड है किसकी, कोल पावर की, ठीक है, थर्मल पावर की, जो 28 गीगावाट के आसपास है। जी हाँ, 28 गीगावाट के आसपास 2032 तक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नीड होने वाली है थर्मल पावर की। तो थर्मल पावर के अंदर आप देखोगे मोस्ट ऑफ लीडिंग कंपनियों में से एक है आर पावर, रिलायंस पावर, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे जेपी पावर है, ठीक है। तो ये कंपनी आप देखोगे थर्मल पावर मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन में जो ना लगी हुई है, तो इन सब से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट भी जो ना PLI स्कीम लेकर आती रहती है, तो PLI स्कीम से भी इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ साथ आप देखोगे आर पावर ने आपको पीछे देखा होगा फंड रेज भी किया है, ठीक है। तो बहुत सारा देखो कंपनी फंड रेज कर रही है ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, तो इन सब से आप देखोगे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न निकाल कर देने वाला है। अगर मैं बात करूं मंडे की, तो मंडे को स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे मार्केट प्राइस पर 18 रुपये 45 पैसे पर 15,94,000 का ज़बरदस्त ऑर्डर हमें देखने को मिला है बाइंग के लिए। जी हां, बाइंग के लिए अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है। तो मंडे को स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट हमें जो है ना फिर से तेज़ी देखने को मिलने वाली है और स्टॉक हमें जो है ना 5% के UC के साथ लॉक होते हुए नज़र आ सकता है मंडे को। तो चलिए इसके जो चार्ट है वो क्या लेवल दिखा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं और उसके साथ साथ हम देखेंगे आज स्टॉक के अंदर ये तेज़ी क्यों बनी है। तो चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे आर पावर के अंदर आज हमें ज़बरदस्त बल्क में डीले होती हुई नज़र आई है। जी हाँ, बल्क में जो माल है वो उठाया गया है और आप देखोगे सेल भी किया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। आप देखोगे नीचे से, जी हाँ, लो प्राइस से स्टॉक को आज ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उठाया गया है और ऊपर में आप देखोगे निकाला भी गया, लेकिन कल के लिए ज़बरदस्त ऑर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 तारीख को ज़बरदस्त ऑर्डर आज हमें लगते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर टाइमिंग दी गई है किस टाइम को जो ये ऑर्डर लगे हैं। तो आज की डेट में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हमें जो है देखने को मिले हैं, अप्रोक्सीमेट 5 से 6 ऑर्डर। जी हाँ, 5 से 6 ऑर्डर हमें जो है ये देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देखोगे बल्क में जो माल है वो नीचे से उठाया भी गया है और ऊपर में जाकर जो है सेल भी किया गया है। तो ये सब रहा है आज, इसी वजह से स्टॉक के अंदर ये तेज़ी बनी है और आने वाले मंडे को भी स्टॉक के अंदर तेज़ी बनने वाली। चलिए मैं आपको इसका चार्ट और दिखा देता हूँ, चार्ट इसकी क्या लेवल दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी आज का जो प्राइस है वो अपडेट नहीं हुआ है, कल वाला प्राइस है। आज स्टॉक जो ना 18 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग लेते हुए नज़र आया है, अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास। जी हाँ, 1.5-2% के आसपास जो ना स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी है। तो यहाँ से आप देखोगे नीचे में जो सपोर्ट था वो मैंने आपको पहले बताया था, 17 रुपये 14 पैसे का नीचे में सपोर्ट बना हुआ था। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल आप देखोगे 15 रुपये 9 पैसे का। तो स्टॉक के अंदर ये गिरावट हुई थी पीछे, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया, पहले भी बता दिया था कि इन्होंने 15 रुपये 55 पैसे के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 15% की जो इक्विटी है वो इन्होंने वर्धे पार्टनर्स को दी थी, जिसकी वजह से स्टॉक जो ऊपर से करेक्ट होते हुए नजर आया है।
तो यहाँ से स्टॉक हमें जो ना फिर से ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आएगा और ऊपर में फिर से इसके अंदर हमें अप ट्रेंड बनते हुए नजर आ सकता है। और ऊपर में फिर जो इसके लेवल रहेंगे वो आप देखोगे 23 रुपये 30 पैसे का पहला हमारा लेवल रहेगा। स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें जो ना ये 30 के लेवल दिखा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।